जोहार सबों को, जय धर्मेश, जय जोहार। मैं विनोद भगत। हमारा आदिवासी समाज पूरे देश का आदिवासी समाज अर्थात आदिवासी जातियां आज अपने जनगणना प्रपत्र में धर्म कोलम पाने के लिए संघर्षरत है और आज हमारा आदिवासी समाज सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं और करना भी उचित है। और ये आंदोलन विधानसभा से लेकर संसद तक कई बार आवाज उठ रहा है, आवाज उठाया जा रहा है, परंतु आदिवासी समाज के लोग अपने धर्म कोलम पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसमें प्रयास कर रहे हैं कि हम जो कहेंगे उसी को सुनना पड़ेगा, क्योंकि भारत देश में अनेकों आदिवासी जातियां हैं और ये आदिवासी जातियां अपने हिसाब से, अपने लोकालिटी के हिसाब से दुनिया को मनाने का प्रयास कर रहा है। ये कतई संभव नहीं दिखता है कि अपने हिसाब से सभी लोगों को मनाया जा सकता है या किसी दूसरे लोगों को थोपा जा सकता है। ये ऐसे हम समझ सकते हैं कि हमारी लड़ाई जो है वह लड़ाई धर्म की लड़ाई नहीं है। हमारा धर्म तो पुरखौती है, हमारी धर्म तो हजारों वर्ष पुरानी परंपरा से चली आ रही है, इसीलिए हमारी लड़ाई जो है वो धर्म की लड़ाई नहीं है। आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं धर्म कोलम के लिए और हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा लड़ाई जो है वह धर्म की लड़ाई है या कुछ और। हम मानते हैं कि हमारी धर्म की लड़ाई नहीं है, हमारी धर्म तो परंपरा से चली आ रही है, वही हमारी धर्म है। जैसे कि हम जानते हैं मृत्यु संस्कार, जन्म संस्कार, शादी ब्याह का संस्कार और छोटे छोटे हमारे पूजा पाठ जो होते हैं वो संस्कार जो है यही तो हमारी धर्म में आने वाली तत्व हैं। अब हम पूरे देश में लगभग 800 आदिवासी जातियां हैं और अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग भाषा, अलग अलग लोकलिटी होने के वास्ते हमारा जो परंपरा है एक दूसरे से भिन्न है। एक दूसरे से भिन्न होने के बावजूद भी हमारी पूजा पद्धति जो है वह एक है। हमारा पूजा पद्धति अलग अलग क्षेत्र होने के चलते अलग अलग है, लेकिन हमारी जो आराध्य है वो प्रकृति पर है और हम प्रकृति की ही पूजा करते हैं, भले देश में हम 800 जातियां हैं। अब रही बात हमारे इन सभी जातियों के बीच में, यदि एक लोकल क्षेत्र पर ही देखा जाए, मान लीजिए झारखंड के क्षेत्र में जो आदिवासी जातियां हैं उनकी सभी जातियों का रीति रिवाज परंपरा अलग अलग होती है। यदि मुंडा जाति के लोग ये कहें कि हमारी जो परंपरा है, हमारी जो तौर तरीका है, उसी परंपरा को देश के सभी आदिवासी जातियां अपनाएं, तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या मुंडा जातियों के परंपरा को
दूसरी जातियां अपनाएंगे। इस झारखंड में खड़िया, संथाली, हो जातियां हैं, क्या मुंडा जातियों की परंपरा को अपनाएंगे? नहीं, नहीं अपनाना चाहेंगे, क्योंकि उनकी अपनी परंपरा है। ठीक उसी तरह उराव की परंपरा है, अगर उराव कहे कि हमारी जो परंपरा है, हम जिस स्टाइल से करते हैं, जिस तरीका से हम पूजा करते हैं, उसी इस तरीका से पूरे देश के आदिवासी माने, तो कितने लोग इसको स्वीकार करेंगे? यही बात अगर कहे गोड़ी, भील जनजाति लोग, हम जिस तरीका से पूजा करते हैं उसी तरीका से आप पूजा पद्धति कीजिए, तो ये संभव नहीं है। इसी से पता चलता है कि हमारी जो लड़ाई है धर्म की लड़ाई है, नहीं है, हम बेवजह हम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आते हैं सही पॉइंट पर, हमारी लड़ाई अगर है तो देश के आदिवासियों को एक जगह पर गिनती होने की है, और हमारी जनगणना प्रत्येक 10 साल के बाद होती है, उस जनगणना में एक होने की लड़ाई है, चाहे हम उराव हो, मुंडा हो, खड़िया हो, समझ नहीं पा रहे हैं, और हम ऐसा सोच रहे हैं जैसे कि मेरी ही परंपरा को पूरे देश के लोग माने, ये लड़ाई नहीं है दोस्तों भाइयों। हमारी एकता की लड़ाई है, हमारी ताकत की लड़ाई है, धर्म पर परंपरा पर बटने की लड़ाई नहीं है। यदि हम पूरे देश के आदिवासी सरना शब्द पर एक हो पाए तो हम झारखंडियों को बहुत बड़ी खुशी होगी कि पूरे देश के 800 आदिवासी जातियां इसी पर चलने के लिए तैयार है, बहुत खुशी होगी। लेकिन अगर ऐसा होता तो देश के दूसरे जातियां, भील गोड़ी, वे लोग इसी पर समा जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। उन लोगों ने भी अपनी जाति, अपना लोकल के हिसाब से, अपने धर्म कोलम के लिए वो लोग भी संघर्षरत हैं। इस तरह से हमारी लड़ाई जो है, हम उस लड़ाई को हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमारी लड़ाई है धर्म कोलम पाने के लिए, और धर्म कोलम जनगणना में एक होने के लिए है। हम थोड़ा सा इतिहास पर ले जाना चाहते हैं। हमारी गुलाम देश में जब हमारी जनगणनाएं हुई थी तो अलग अलग नामों से हुआ था, एक एबोरिजिनल के शब्द से पूरे देश के आदिवासियों को, पूरे देश के आदिवासियों को एबोरिजिनल के नाम से गिनती किया गया था, एबोरजाइन के नाम से गिनती किया गया था, और एनिमिस्ट के नाम से गिनती किया गया था पूरे देश के आदिवासियों को। इसमें किसी लोकल किसी एक जाति को नहीं, पूरे देश के ट्राइबल्स को गिना गया था। उसके बाद में 1931 और 1941 में तो ट्राइबल्स एंड ट्राइबल रिलीजन के नाम से गिनती किया गया था। बहुत हमें खुशी की बात है, हमारे आदिवासियों को 1931 में ट्राइबल्स एंड ट्राइबल रिलीजन के नाम से गिनती किया गया था। और आज हम इसको ख्याल नहीं करते हुए, इस इतिहास को नहीं देखते हुए हम बटना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गोड़ी धर्म से कोलम मिल जाए, हम चाहते हैं कि भील धर्म के नाम से कोलम मिल जाए, हम चाहते हैं कि सरना धर्म के नाम से कोलम मिल जाए। इस तरह के 83 तरह के नाम आए थे पिछले जनगणना में। इस तरह से हमारी लड़ाई को दूर करना है तो उसके लिए कौन सा ऐसा शब्द हो सकता है
जो कि इस तरह किसी भी धर्म के लोगों को, किसी भी जाति के लोगों को, आदिवासी में आने वाले लोगों को ठेस ना पहुंचे, दिल में दुख ना हो। और वो शब्द अगर देखा जाए तो आज के तारीख में आदिवासी शब्द जो 1941 में और 1931 में ट्राइबल्स और ट्राइबल्स रिलीजन के नाम से था, वही सटीक है। हम कोई नया धर्म पर नहीं जाना चाहते हैं। हमारी जनगणना 1931 और 1921 में ट्राइबल्स एंड ट्राइबल्स रिलीजन पर हुआ था, उसी पर जाना चाहते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाए आदिवासी धर्म, आदिवासी सरना धर्म, आदिवासी गोड़ी धर्म, आदिवासी भेली धर्म, इस तरह से हम सभी पुकार सकते हैं। तो हमारी जनगणना पर एक होने की लड़ाई है, पूरे देश के आदिवासी हम एक हो सकें। चलिए, आपने हमारा इस वीडियो को देखा और वीडियो देखने के लिए मेरे तरफ से सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे देशवासियों को, देश के सभी आदिवासियों को मेरे दिल से जोहार।